तो आज नमिता जी अपनी एक और नई ट्रेडिशनल रेसिपी के साथ आ गई है, तो चलिए पूछते हैं कि वो क्या बनाने जा रही है। हेलो, तो जब क्या बनाने जा रही है? आज मैं जा रही हूँ हांडी मटन बनाने गैस चूल्हे पे। आइए बताती हूँ उसके लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए मटन 1 kg, प्याज मैंने 1/2 kg लिया है, और ये लाल सूखी मिर्चा है, तेज पत्ता है, और ये कुछ लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, सारे मीट मसाला है, खड़ा है, सारे मसाला खड़ा है, और काली मिर्च है, जीरा है, और हाँ 3 लहसुन है, ये गाँठे हैं लहसुन के खड़ी खड़ी, और घी मैंने ले लिया है 3 बड़े चम्मच, और मस्टर्ड ऑयल है, और अदरक का पेस्ट है, लहसुन है कुछ 2 चम्मच है, लहसुन मैंने छील के रख लिया है, और हल्दी है, नमक है। सबसे पहले एक बाउल हम लोग लेंगे, उसमें मटन को रखेंगे, और हाँ प्याज हम लोग डालेंगे। और देखिए प्याज को मैंने कुछ अलग तरीके से मैंने कटिंग किया है, एकदम छल्लों के तरह, एकदम रिंग के तरह, देखिए कैसे कटिंग किया है मैंने। और हाँ लहसुन के गाँठे हैं, इसको भी हम लोग डाल देंगे। उसके बाद हम लोग तेल को डालेंगे, जो मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया है, सारा डाल देंगे इसमें। ये हांडी मटन जो है एक ही बार सारा कुछ मिक्स करके रख दिया जाता है, इसको बार बार चलाना नहीं होता है। सारा कुछ मैंने डाल दिया, हल्दी भी डाल देंगे हम लोग, और हाँ नमक स्वाद अनुसार हम लोग डालेंगे। तेज पत्ते को हम लोग तोड़ लेंगे, और लाल खड़ी मिर्च है इसको भी हम लोग तोड़ लेंगे, और हाँ सारे मसालों को हमको डाल देना एक साथ, जितने मसाले हैं सारे डाल पड़ जाएंगे इसमें। उसके बाद हम लोग सारे को मिक्स करेंगे कुछ इस तरह से, और हाँ हाथ से हम लोग कुछ इस तरह से मिक्स करेंगे, हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मिक्स हो गया, इसे हम लोग इस हांडी में डालेंगे, मिट्टी का हांडी है, और हांडी को हम लोग इस तरह से ढक देंगे। और देखिए इस पे मैं क्या कर रही हूँ, साइड से हम लोग इस पे आटा, जो रोटी बनाने के लिए हम लोग गूंथे हैं उसी आटे से थोड़ा सा इसको साइड साइड से पैक कर देंगे, क्योंकि ये बीच में खुलेगा नहीं। और इसे अब हम लोग गैस चूल्हे पे ले चलेंगे, और हाँ गैस चूल्हे पे एक छलनी डालेंगे, देखिए जिस पे हम लोग बैगन वगैरह भूनते हैं भरता के लिए, उसको इस पे रख देंगे, और 10 मिनट इस पे रखेंगे हम लोग, और 10 मिनट बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, तवे पे रख देंगे। हाँ अब हम लोग इसे 45 मिनट के लिए रख देते हैं, बीच में एकदम नहीं खोलेंगे, 45 मिनट बाद गैस बंद करेंगे, तब हम लोग देखेंगे कहाँ तक पहुँचा। और हाँ देखिए अब हमारा 45 मिनट हो गया, देखिए इसका क्या पोजीशन है, और हाँ देखिए तैयार है हमारा मटन। इसमें हम लोग देसी घी थोड़ा लास्ट में डालेंगे, बस अब हमारा मटन तैयार है, और अब ये सर्विंग के लिए एकदम तैयार है, इसे अब हम लोग सर्व करेंगे। मैंने तो मटन हांडी बना लिया, आप लोग भी बनाइएगा, और हाँ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा अगली बार मैं क्या बनाऊं। थैंक यू। और हमारे चैनल नमिताज होम किचन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।